मेरे जेठ जी इस दुनिया से जा चुके थे। इस बात से मेरी जिठानी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो बैठे बैठे ही बेहोश हो जाती थी। बार बार मेरे पति को उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, लेकिन जिठानी जी उनके साथ जाती तो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जब आती थी तब बिल्कुल ठीक, खुश और हाथ में काफी शॉपिंग बैग लिए होती थी। एक दिन जब मेरी जिठानी जी बेहोश हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि चलो मैं भी डॉक्टर के पास चलती हूँ आपके साथ। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरे जिठानी को उसी समय होश आ गया। एक दिन फिर मेरी जिठानी बेहोश हो गई और मेरे पति उन्हें गोदी में लेकर हॉस्पिटल चले गए। उनका सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ जी को गुजरे हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी जिठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जिठानी से बहुत प्यार करते थे। मैंने आज तक कभी उन्हें एक दूसरे से लड़ते झगड़ते कभी नहीं देखा था। जेठ की अचानक से हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। 4 दिन से मेरी जिठानी ने एक भी अन्न का दाना नहीं खाया था। मैंने जबरदस्ती करके उन्हें दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब भी मेरे पति उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते तो वो खाने लगती। मैं और मेरे पति जिठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो विधवा थी, ऊपर से सिर्फ हम दोनों ही तो थे उनके अपने। उनके हाल पर बहुत अफसोस होता था, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे जेठ जी गुजरे थे वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाया करती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, मुझे तो अब बहुत परेशानी होने लगी थी। एक तो मेरी जिठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। ऊपर से अब ये आफत मुझ पर आ गई थी कि जिठानी आए दिन बेहोश होने लगी थी। मुझे तो कभी कभी लगता था कि अब वो नाटक करती है। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जिठानी मेरे पति से बहुत घिली मिली हुई थी। उनका मायका भी अच्छा पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं जाती थी। कहती थी कि मुझे अब हमेशा अपने ही घर में रहना है, जबकि वो अभी जवान ही थी। अगर चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे पति के सहारे ही जिंदगी गुजार देंगी। अरे भाई, मेरे पति के सहारे क्यों जिंदगी गुजारनी है? पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएंगी। पर अब तो महीनों हो गए थे, अब मेरी जिठानी की हरकत मुझे ही समझ नहीं आ रही थी। मैं जब भी उनको उनके कमरे में देखती वो हमेशा फोन चला रही होती। मैंने दिन में उन्हें कभी रोते नहीं देखा था। ठीक रहती थी, लेकिन बस अपने कमरे में ही होती थी, पूरे पूरे दिन बाहर नहीं निकलती थी। उनका खाना चाय सब उनके कमरे में देती थी मैं, पर जैसे ही अंकित घर आते वो कमरे से बाहर आकर अंकित से चिपक चिपक कर जोर जोर से रोने लगती। बोलती, तुम्हारे भाई मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे रहूंगी, मुझे कौन देखेगा, कौन ध्यान रखेगा मेरा, मेरी जरूरतों का। अब मुझे अपनी जिठानी को ऐसी हरकतें और बातें बुरी लगने लगी थी। अगर रोना ही था तो मुझे गले लगाकर रो लेती, यूं बार बार मेरे पति के गले लगकर रोने की क्या जरूरत थी? ये कैसा दुख था जो अंकित के गले लगकर ही ठीक होता था? भगवान जाने क्या नाटक कर रही थी। पूरे दिन भली चंगी रहती थी और रात को अंकित के आते ही गले लगकर रोना और फिर रोते रोते बेहोश हो जाना। उसके बाद मेरे पति उन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते और फिर आते हुए वो एकदम ठीक हो जाती। ये कैसी बीमारी थी जो इनके आने पर ही होती थी? मेरे पति भी हमेशा उनकी खातिरदारी के लिए तैयार रहते थे। वहीं अगर मैं उन्हें कोई काम बोलूं तो वो मुझे साफ मना कर देते थे। कहते, तुम्हें अंदाजा भी है कि घर की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है, क्या ही करती मैं तब, चुप हो जाती थी। पर अपनी भाभी को वो कभी कुछ नहीं कहते थे, उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरी जिठानी और मेरे पति हम उम्र ही थे। मेरे जेठ जी मेरे पति से 5 साल बड़े थे। सास ससुर तो पहले ही स्वर्ग सुधार चुके थे। इस घर में बस 2 भाई ही थे। मुझे पसंद भी मेरी जिठानी ने ही किया था। वैसे मेरी जिठानी बहुत खूबसूरत थी और मेरे पति भी सुंदर थे। वहीं मैं एक आम सूरत की लड़की थी, पर मेरे नैनक्ष बहुत सुंदर थे। मेरे जेठ जी ने हमेशा मेरा ध्यान अपनी छोटी बहन जैसा रखा था, इसलिए उनके रहते मेरे शादी के 5 साल बहुत ही अच्छे बीते। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ कहा हो और मेरे जेठ जी ने मुझे ना दिया हो, पर मेरे पति ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। शादी की रात भी उन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल बाद ही मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मेरी जेठानी की कोई औलाद नहीं थी, पर शायद उन्हें बच्चे पसंद ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाया था, वरना एक बच्चे की कमी वो मेरे बच्चों से पूरा कर सकती थी। वो हमेशा खुद को ही सबसे ऊपर रखती थी। घर की सारी जिम्मेदारी तो उन्होंने शादी के तुरंत बाद ही मुझ पर डाल दी थी। वो हमेशा अपनी खूबसूरती का ध्यान रखती थी और एक मैं थी जो पूरे दिन घर का काम और बच्चों में लगी रह जाती थी। खुद के लिए समय ही नहीं होता था।
जब रात को मैं तैयार होती भी तो कोई फायदा नहीं होता था, तब तक मेरे पति आ गए होते थे। वो अक्सर बोलते थे कि मैं जब भी आता हूँ तुम हमेशा पसीने में नहाई हुई क्यों होती हो, सारा मूड खराब कर देती हो, तुम मेरे आने से पहले सारे काम क्यों नहीं करती, सीखो कुछ भाभी से, वो भाई के आने से पहले ही तैयार हो जाती है, खुशबू से भरी होती है वो, उनको देखकर दिल खुश हो जाता है। मैं एक सीधी साधी लड़की थी, चलाकियां मुझे नहीं आती थी, वो मुझे अक्सर भाभी से तौलते थे, पर उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि वो पूरे दिन करती क्या है। मैंने पूरा घर संभाल रखा था, मेरे पति का था भी कभी उनसे बहस मत करो, शिकायत मत करो, उनकी भाभी के लिए कुछ मत कहो, जो जैसा है उसी में खुश रहो। मैं घर की जिम्मेदारी में इतना उलझ गई थी कि मुझे इतना समय ही नहीं मिलता था कि मैं अंकित के आने से पहले ही तैयार होकर बैठ जाऊं, ऊपर से मेरी भाभी की चलाकियां। कभी कभी जब मैं जैसे तैसे अंकित के आने से पहले काम खत्म कर भी लेती कि चलो अब तैयार हो जाती हूँ, तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझे बोलने लगती कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तुमने अंकित के लिए सलाद नहीं बनाया, कैसी पत्नी हो तुम जिसे अपने ही पति की पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता। मुझे देखो, अंकित की हर बात का पता है मुझे। जैसे ही शाम को इनके आने का समय होता, मेरी जेठानी फटाफट जाकर दरवाजा खोलती और इन्हें चाय पानी देने लगती। अंकित भी हमेशा जेठानी को कहते कि भाभी आप कितनी अच्छी लग रही हो, थोड़ी मेरी बीवी को भी तमीज सिखा दो अच्छे से रहने और मेकअप करने की, जब भी आता हूँ किचन में ही घुसी रहती है, थोड़ा सा भी उसके पास चला जाऊं तो मसालों की बदबू आने लगती है। अंकित की इस बात पर वो तो जोर जोर से हंसने लगती है और मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। जेठानी इनको कहती कि क्या करें, तुम्हारी बीवी के काम ही खत्म नहीं होते पूरे दिन में भी, मुझे देखो मैं तो हमेशा तुम्हारे भाई के आने से पहले सब करके तैयार हो जाती हूँ। मैं अक्सर मन में सोचती थी कि वो अपने सारा रंग रूप तो सिर्फ अंकित को ही दिखाती है, क्योंकि मेरे जेठ जी जब काम से आते तो वो हमेशा या तो अंकित के साथ बैठकर बातें कर रही होती या टीवी देख रही होती। मेरे जेठ जी के लिए वो दरवाजा तक नहीं खोलती थी, मैं ही खोलती थी दरवाजा, वो तो हमेशा बैठी रहती थी अंकित के साथ। किचन का सारा काम करके जब नहाकर नीचे आती थी तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती थी और आधे से ज्यादा समय तो वो अंकित के साथ खाना खा भी चुकी होती थी, मैं और मेरे जेठ जी ही बचते थे। जेठ जी का खाना वो निकाल कर ढक देती थी और खुद अंकित के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही होती थी। पर मेरे जेठ जी इतने सुलझे हुए थे कि उन्होंने कभी इन बातों का बुरा ही नहीं माना, वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते थे। जेठानी अच्छे से मेरे पति के साथ समय बिताकर मुझे कहती कि अब मैं थक गई हूँ, किचन तुम संभालो। मैं तो यही सोचती रह जाती थी कि पहले भी तो मैं ही संभाल रही थी, वो करती ही क्या थी, बस अपनी खूबसूरती और फिटनेस का ध्यान रखती थी। अंकित का व्यवहार थोड़ा अच्छा हुआ था मेरे पहले बेटे के बाद। अंकित के साथ साथ मेरे जेठ जी बहुत खुश थे, वो हमेशा ही मेरे बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें बच्चे की बहुत चाह थी, जब भी काम से आते तो फटाफट मेरे बेटे को ले लेते और बहुत प्यार करते थे। वहीं उसके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को कभी नहीं पकड़ती थी। वैसे तो वो मेरे जेठ जी को हमेशा ही कहती थी कि वो भी बच्चा चाहती है, पर मुझे उन्हें देखकर कभी ऐसा लगा नहीं। अभी मेरा बेटा साल भर का भी नहीं हुआ था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा था कि मेरी तबीयत को समझकर मेरी जेठानी मेरे बारे में सोचेंगी कि कैसे कोई इस हालत में इतने छोटे बच्चे के साथ काम करेगा, पर उन्हें कभी मेरा ध्यान रखा ही नहीं। मैंने कई बार उन्हें कहा भी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती, तो अंकित कहने लगे कि हाँ लग जाओ तुम चुगलखोर औरतों की तरह घर में फूट डालने, भाभी को देखो उन्होंने तो कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो घर जोड़ना जानती है, तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, तुम ज्यादा मेरे सर मत चढ़ो। अंकित कभी मेरी बात सुनते ही नहीं थे। जब दूसरा बेटा हुआ तब तो मैं बिल्कुल घनचक्कर बनकर रह गई थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। आप तो जानते ही हैं, दो छोटे बच्चों के साथ घर संभालना कितना मुश्किल काम है। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि मैं चाहकर भी अंकित को समय नहीं दे पाती थी, और अपने ऊपर ध्यान देना तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अजीब बात यह थी कि अंकित ने मुझसे शिकायत करना ही छोड़ दिया था। मुझे लगा कि वो मेरी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ महीने पहले की ही बात है, मेरे जेठ जी बहुत शांत हो गए थे, ना जाने किसी से बात करते थे और ना ही हंसते बोलते थे, शराब भी पीना शुरू कर दिया था उन्होंने, पता नहीं कौन सी सोच में डूबे रहते थे, लेकिन मेरी जिठानी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले की ही तरह अंकित के साथ लगी रहती थी, वो लापरवाह थी, या यूं कह सकते हैं कि स्वार्थी थी वो। ऊपर से मेरे बच्चे ऐसे थे जैसे ये दोनों जुड़वा हों, एक बीमार होगा तो दूसरा भी उसके साथ हो जाता था, एक को भूख लगती थी तो दूसरे को भी लग जाती थी, कई बार तो मुझे आधी रात को उठकर इनके लिए कुछ बनाना पड़ता था।
एक ऐसी ही रात की बात है, मैं किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने गई तो देखा कि जेठ जी अकेले बाहर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। पता नहीं किस गहरी सोच में थे वो कि उन्हें मेरे आने जाने का भी पता नहीं लगा। कमरे में जब मैं वापस आई तो बच्चों की रोने की आवाज से अंकित उठ गए थे, गुस्से में लग रहे थे वो। मैंने बच्चों को खाना खिलाया और अंकित से पूछा कि जेठ जी को क्या हुआ है, तो वो कहते कि ऑफिस की कोई परेशानी होगी, ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर वो सो गए, पर मेरे जेठ जी तो ठीक होने की बजाय भगवान को प्यारे हो गए। पता ही नहीं चला कि किस बात से वो इतना परेशान थे, और अब मेरी ये जेठानी ने नया ड्रामा शुरू कर दिया था, जो बात बात पर बेहोश हो जाती थी। पर होती तभी थी जब अंकित घर होते थे, पूरे दिन तो अच्छे से घूमती और फोन चलाती रहती थी। जैसे ही अंकित घर आते उनको गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी, लाल जोड़ा पहनकर बिल्कुल तैयार होकर अच्छे से मेकअप करके अपने कमरे से बाहर निकली। अंकित अभी आए ही थे, उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो मैं ऐसे ही पसंद थी, वो मुझे हमेशा ऐसे ही तैयार देखना चाहते थे, लेकिन अगर मैं तो ऐसे तैयार होंगी तो ये दुनिया मुझे जीने ही नहीं देगी। अंकित अपनी भाभी की इस बात पर बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि मेरी भाभी की सोच कितनी अच्छी है। वो कहने लगी कि भाभी, अगर भाई आपको ऐसे पसंद करते थे तो आप ऐसे ही तैयार रहा करिए, दुनिया वालों की फिक्र आप छोड़ दीजिए। मैं कौन होती थी अपने पति और जेठानी के बीच में कुछ भी बोलने वाली। मैं वहीं खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। अब तो मेरी जेठानी हर रोज ऐसे ही तैयार होने लगी, बेहोशी का ड्रामा अभी भी चालू था। कई बार तो जब मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते तो वापसी में के समय मेरी जेठानी के हाथ में शॉपिंग बैग होते थे। एक दिन मैंने पूछा कि अंकित आप भाभी को शॉपिंग करा कर लाए हो, तो कहने लगे कि तुम तो जानती हो कि भाभी का अब कोई नहीं है, तो मुझे ही उनका ध्यान रखना होगा। भाभी को शॉपिंग इसलिए भी करा दी ताकि उनका थोड़ा मन बहल जाए, कब तक वो भाई के जाने के दुख में ऐसे ही जीती रहेंगी। एक रात की बात है, करीब 2 बजे होंगे, बच्चों की रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, अंकित वहां नहीं थे। मुझे लगा कि शायद वॉशरूम गए होंगे। थोड़ी देर मैंने अंकित का इंतजार किया पर वो नहीं आए, तो मैं कमरे से बाहर गई। बाहर निकलते ही मुझे मेरी जेठानी की हंसने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मैं उनके दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे पति मेरी जेठानी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, और कभी कभी बातों बातों में मेरी जेठानी अचानक आंसू बहाने लगती और मेरे पति उन्हें गले लगाकर सांत्वना दे रहे होते। ये सब क्या हो रहा था? ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में मेरे पति आए और मुझसे कहने लगे कि तुम जाग क्यों रही हो। मैंने पूछा आप कहाँ थे, तो कहने लगे कि मैं पानी पीने के लिए उठा था तो भाभी के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। उनके कमरे में गया तो वो जोर जोर से रो रही थी, तो बस उन्हीं के पास थोड़ी देर बैठ गया था। भाई के जाने के बाद वो बहुत उदास हो गई है, तो बस उन्हें तसल्ली दे रहा था। मैं थोड़ी मुस्कुराई और अंकित को कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली देते हैं। मेरी बात सुनकर अंकित मुझे घूरने लगे और कहने लगे कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। वो मेरी भाई की बीवी है, मैं उनके छोटे भाई के बराबर हूँ, और इसी नाते मैं भाभी को तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो एक दिन मैं जरूर दूसरी शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा मायका बहुत पैसों वाला नहीं था, अभी मेरी 2 बहनों की शादी होना भी बाकी था। ऐसे में अगर अंकित मुझे छोड़ देते तो मैं अपने 2 बच्चों को लेकर कहां जाती। इसी डर ने मुझे चुप कर दिया और मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मेरी जेठानी तो बहुत बेशर्म हो गई थी, अब तो वो अंकित के साथ बाहर खाने के लिए भी चली जाती थी। अब उन्होंने मुझ पर हुक्म चलाना भी शुरू कर दिया था, अब पानी सर से ऊपर चला गया था। मैं कब तक बर्दाश्त करती, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है जो मेरी खत्म हो गई थी। एक दिन गुस्से में आकर मैं अपनी जेठानी पर चिल्ला पड़ी। मैंने कहा, भाभी आपको शर्म नहीं आती, आपके अंदर शराफत नाम की चीज नहीं है। अंकित मेरे पति हैं, आप रोज रोज उनको गले लगाती रहती हैं, आधी रात को अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन जब अंकित आपके साथ थे तो मैंने खिड़की से सब देखा था, कैसे वो आपको सीने से लगाए हुए थे और आप हंस रही थी। आप उन्हें कह रही थी कि तुम तो मुझे बिल्कुल अपने पति जैसे लगते हो, जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे तुम्हारे भाई की कमी महसूस नहीं होती। वो आपका सर सहला रहे थे। ये किस तरह की बातें कर रहे थे आप अंकित से? एक औरत होने के नाते ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ आपको अंदाजा भी नहीं है। अंकित के जिस प्यार पर मेरा हक था उसे आप आंसू बहा बहा कर ले लेती हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम अंकित की बीवी कम नौकरानी ज्यादा लगती हो। मुझे उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो आपने मुझे अंकित के लिए क्यों पसंद किया, किसी खूबसूरत लड़की का रिश्ता क्यों नहीं ले आई। आपकी इस तरीके की हरकत और बातें मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी जिठानी कहने लगी कि मैंने तुम्हें जानबूझकर अंकित के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम्हारी और अंकित की कोई बराबरी नहीं है। मुझे वैसे भी एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो अंकित के लिए जो एक आम शक्ल सूरत की हो जैसे कि तुम, ताकि अंकित मुझ पर ध्यान दे। मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ यही तो किया था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक आम शक्ल के इंसान से कर दी, तुम्हारे जेठ जी से। वो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे, लेकिन जिस दिन मैं इस घर में आई और मैंने अंकित को देखा, वो मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छा लगा। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। तुम्हारे जेठ जी जब भी मेरी तारीफ करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब अंकित मेरी तारीफ करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर पता नहीं क्यों अंकित मुझसे दूर दूर रहता था। शायद मैं उसके भाई की बीवी थी इसलिए। बहुत इज्जत करता था वो मेरी। उसकी इस आदत से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मुझे अपने लिए एक सुंदर मर्द चाहिए था जो कि तुम्हारे जेठ जी तो बिल्कुल नहीं थे। तुम्हारे जेठ जी को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो अपनी खूबसूरती और फिटनेस प्यारी थी। बच्चा करने के बाद मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बच्चों का झंझट ही नहीं पाला। मुझे बच्चों के झंझट में पड़ना ही नहीं था। सास की मौत के बाद मुझे अंकित के करीब जाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैं अंकित का बहुत ध्यान रखती थी। तुम्हारे जेठ जी को लगता था कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि अंकित को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो, पर ऐसा नहीं था। तुम्हारे जेठ जी तो बड़े ही भोले भाले इंसान थे। जब भी अंकित के आने का समय होता, मैं जानबूझकर तैयार होकर बैठ जाती ताकि अंकित मुझ पर ध्यान दे और मेरी तारीफ करे। मैं चाहती थी कि अंकित को मुझसे ज्यादा हसीन और कोई ना लगे। तुमसे शादी के बाद उसने कितनी बार मुझसे कहा कि भाभी आपने अपनी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे लिए क्यों नहीं ढूंढी। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। ये बात मैंने अंकित के भाई को भी बता दी थी कि मुझे वो नहीं बल्कि अंकित बहुत पसंद है, पर शायद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब से मैंने उन्हें ये बात बताई, तभी से वो अकेले अकेले और चुप चुप रहने लगे थे और शराब भी पीने लगे थे। भगवान को प्यारे हो गए वो। अच्छा ही है, मेरी जान छूटी। अपनी जिठानी की इस तरीके की ओछी बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें एक जोरदार तमाचा लगा दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी और आपने क्या किया, आपको शर्म नहीं आई? अंकित आपको अपनी बड़ी बहन समझते हैं और यही समझकर वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। आपकी इस गंदी सोच के चलते मेरे बाप जैसे भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक तरीके से आपने उनका खून ही किया है। अंकित उसी समय किचन में आए और भाभी को गुस्से से कहने लगे, निकल जाओ आप यहां से। शायद वो मेरी और मेरी जिठानी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं तो मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर रही थी कि मेरे पति को मेरी भाभी की सारी सच्चाई पता चल गई। नहीं तो भगवान जाने अगर मैं उन्हें खुद बताती तो वो भरोसा नहीं करते कभी भी। अगले ही दिन भाभी ने अपना सामान बांधा और घर छोड़कर चली गई। उनका सारा राज जो खुल गया था। अंकित मेरे सामने नजरें झुकाए बैठे हुए थे और कहने लगे कि मैं भाभी का ध्यान रखने में इतना उलझ गया कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनकी बाहरी सुंदरता को देखकर तुम्हारी उनसे तुलना की और तुम्हारे आंतरिक सुंदरता, घर के लिए तुम्हारा समर्पण, बच्चों के लिए तुम्हारा समर्पण और मेरे लिए तुम्हारा समर्पण देखा तक नहीं। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता जरूरी होती है। वो कहते हैं ना, गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।